तो देखो कई वो टाइम वापस आने वाला है जहां पे हम लोग मावल स्टूडियोज के हर एक प्रोजेक्ट के रिलीज होने के लिए बहुत ज्यादा तड़पते थे और जो है हर एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी से बड़ी हाइप होती थी चाहे फिर वो एंट मैन दी एंटी क्यों ना हो या फिर कैप्टन मावल या फिर ब्लैक पैंथर जैसी पहली ही वाली मूवीज क्यों ना हो जिनके लिए हम एक्साइटेड रहते थे क्योंकि मावल जो है खाली साल में एक बार या फिर दो बार अपनी मूवीज रिलीज करता था तो वो टाइम शायद वापस आ सकता है क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि यार बहुत ही एक सैड अपडेट या फिर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के भी जो है के लिए यहाँ पे ये यह बन के आई है क्योंकि के 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 साथ ये कहा जा रहा था कि शायद से जो है है होना हो गया यहाँ पे फैंस के, आ, के अंदर में जहां पे वो सुपर हीरो तरीके से नहीं देखते थे जो परसेप्शन चार या पांच साल या फिर आज से दो या तीन साल पहले था लेकिन ये सब कुछ चेंज होने वाला है और चेंज थैंक्स टू तो द राइटर्स गिल्ड ग्रुड ऑफ अमेरिका जो कि यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं अपनी वर्किंग कंडीशन या फिर फेयर यहाँ पे पे के लिए और साथ ही में यहाँ पे जो जून में स्टार्ट हुई थी यहाँ पे एक्टर्स गिल्ड की तरफ से एस एच जी एफ टी आर ए की तरफ से जो यहाँ पे स्ट्राइक की गई है एक्टर्स की जहाँ पे वो अपना फेयर पे और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज को यहाँ पे बैन करवाना चाहते हैं इंडस्ट्री में तो उस ने जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से अब मावल के आने वाले डेडपोल थ्री के प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ही बड़ा असर डाला जी अब यहां पे पक न्यूज लेटर की तरफ से मैट मेट ब्लोनी ने ये रिपोर्ट किया

यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा कि जुलाई में हमें कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ने अपनी शूटिंग जो है पूरी तरीके से खत्म कर ली थी यहाँ पे एक्टर्स की स्ट्राइक से पहले ही लेकिन यहां पे आपको याद दिला दूं कि राइटर्स की स्ट्राइक की वजह से यहां पे हर एक स्टूडियो को मना किया गया था कि जिस भी आ, फिल्म की शूटिंग चल रही है उसमें वो कोई भी स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग चेंजेस या फिर सीन के रिगार्डिंग चेंजेस नहीं कर सकते हैं जब तक वो स्ट्राइक खत्म नहीं हो जाती है और गिवन दैट यहां पे न सिर्फ डेडपूल थ्री को भी अपने यहां पे रीशूट करने पड़ेंगे जब वो फिल्मिंग रिज्यूम करेंगे कुछ कुछ पैच वर्क वाले सीन्स जो है मुझे लगता है अभी यहां पे फिल्म करना उनके लिए भी बाकी है और काफी सारे सीन्स के भी रीशूट यहां पे किए जाएंगे स्ट्राइक एंड होने के बाद से तो यहां पे जुलाई मे वाली रिलीज डेट तो डेफिनेटली डिले होने वाली है और साथ ही में इसका इफेक्ट जो है थंडर

एक तो डिज्नी प्लस पे या शायद माहौल स्टूडियोज के देखने को मिल सकते हैं और शायद से एक ही मूवी यहाँ पे हमें 2024 में आती हुई दिखाई दे सकती है क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी किसी को आइडिया नहीं है कि क्या ये जो स्ट्राइक है ये सूनर देन लेटर खत्म होगी भी क्या आ, एक्टर्स या फिर राइटर्स जो है नेगोशिएशन पे पहुंच पाएंगे स्टूडियोज के साथ जो उनकी डिमांड्स क्या वो फुलफिल हो पाएंगी तो ऐसे में अभी बहुत सारा अनप्रडिक्टेबल माहौल है कि किस तरीके से यहाँ पे हॉलीवुड वापस से अपनी या फिर मावल स्टूडियो वापस से अपनी फिल्मिंग जो है यहाँ पे रिज्यूम करने वाला है तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं

या फिर बड़ी क्रॉसओवर मूवी सुपर हीरोन में नहीं आने वाला आपके इस रिगार्डिंग क्या थॉट्स है नई रिलीज डेट होनी चाहिए यहां पे डेट पे शूटिंग रिज्यूम हो पाएगी अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक नई वीडियो में से बी